फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो ले आया हूँ। यूजफुल प्रोजेक्ट है, इसलिए यूजफुल वीडियो कह रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेते हो तो आप घर में अपने मम्मी पापा या किसी की भी, अपनी खुद की भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा आज की वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये प्रोजेक्ट लास्ट में इस तरह का वर्क किया कि मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड हो रहा है। बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो में, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। और मुझे पता है आप लोग देखोगे, ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। मोबाइल को बस एक जगह रख दो। प्लीज सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया, यार धूप में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ यार, चेहरा जल रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर दो। वीडियो को लाइक कर दो, 1000 लाइक तो आजकल कर नहीं पाते हो, क्या बात है यार, 1000 लाइक कंप्लीट करो ना जल्दी से, ऑलमोस्ट उसके करीब तो चले ही जाएंगे। तो प्लीज लाइक जरूर दबा दो, कोशिश तो करके देखो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस यूजफुल से प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं, और इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो मेरा 4 इंच वाला पीवीसी पाइप होता है, इसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो एक कंटेनर का यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगा डिब्बे टाइप का, ट्रांसपेरेंट वाला भी यूज करोगे तो और अच्छा रहेगा। तो फिलहाल मैं ये यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर हम एल्यूमिनियम फॉयल लगा देंगे क्योंकि ये पीवीसी है तो ये खाने में यूज नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कि आप डिब्बे का यूज करना, वो और अच्छा रहेगा। मैं फिलहाल इसका यूज कर रहा हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको अपने हिसाब से कट कर लेते हैं, जितना भी कट करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 6 इंच लंबा, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ पाइप, और यहाँ से हम इसको बिल्कुल गोल कट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे तो कुछ इतना बड़ा हम कंटेनर बना लिए, ठीक है, कुछ इस तरह का है, और इस वक्त इसके नीचे वाला हिस्सा भी बनाना बाकी है, लेकिन फिलहाल ये अंदर पीवीसी है पूरा, और पीवीसी को हम खाने पीने के रूप में यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी भी खाने पीने की चीज़ के साथ कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो सही नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल को अंदर की साइड में चिपका देंगे, और नीचे वाले हिस्से में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फेविकॉल का, ठीक है, पूरा एक बाल्टी है, हालांकि छोटी है लेकिन एक बाल्टी तो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से एल्यूमिनियम फॉयल कट कर लिया, अब इसके अंदर इसको फेविकॉल से लगा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने एल्यूमिनियम का फॉयल इसमें लगा लिया है, ठीक है, और अब ये कुछ इस तरह का बन गया। तो चलो ये थोड़ा सा सूखने में टाइम लेगा, और तब तक हम इसके नीचे वाला हिस्सा बना लेते हैं और उसमें भी एल्यूमिनियम फॉयल लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का हमने नीचे वाला हिस्सा बना लिया और इसमें फॉयल लगा लिए, और यहाँ पे एक होल कर लेना है आपको, और नीचे इस तरह से एक नट बोल्ट लगा देना है। ठीक है, ये बाद में हमारे काम आने वाला है, क्या काम आएगा वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे फाइनली हमारा कंटेनर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल कुछ इस तरह से लगा लिया। ठीक है, आपको एक और बात बता दूँ, आपको इतना करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप चाहते हो कि इस तरह का कंटेनर ले सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते कि हाँ आप यूज कर लो तो आप कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे हमने ये वाले जो ये चीज़ लगाई है ना नट बोल्ट, यहाँ पे आपको ना इस तरह से कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन बाद में आटा सानने में बहुत ज़्यादा ताकत लगता है। ठीक है, जिस कारण जैसे बाद में ना हमारा पूरा अनबैलेंस हो जाएगा, उस शाफ्ट को बैलेंस करने के लिए ही यहाँ पे ये चीज़ लगाई हुई है। ठीक है, तो आप इस तरह के कंटेनर का यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यूज़ कर सकते हो, चाहे तो कांच के कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समझ लो ये इतना बनाने की मेहनत आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसा यूज करते हो। तो चलो ये तो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे इसको साइड में रखते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा मोटर जिसका आज हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप इससे पावरफुल यूज कर सकते हो, यहाँ पे ये 100 RPM का है। ठीक है, तो हम 100 RPM का मोटर यहाँ पे यूज करेंगे, और 12 वोल्ट से चलता है काफी पावरफुल तरीके से। इसके शाफ्ट में छेद भी है तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज का जो काम होने वाला है बहुत ही हैवी होने वाला है। अगर आप इस तरह का मोटर लेना चाहते हो तो आपको नीचे HNH कार्ड का लिंक मिल जाएगा। HNH कार्ड में इस तरह के मोटर्स अवेलेबल है, वो भी काफी चीप प्राइस में और काफी अच्छी क्वालिटी के। साथ ही यहाँ पे आप बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स वगैरह ले सकते हो, जो भी आप कॉम्पोनेंट लेना चाहते हो यहाँ पे काफी चीप और काफी अच्छी क्वालिटी के कॉम्पोनेंट अवेलेबल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी है और साथ ही इनकी एप्लीकेशन भी है, आप जाकर दोनों को चेक कर सकते हो।
अगर आप इनके एप्लीकेशन में जाते हो तो फर्स्ट यूजर को यहाँ पे 7% का डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक दी हुई है। आप क्या करना है ना, इसके टॉप वाला हिस्सा बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके शाफ्ट में जो भी काम करना है वो करते हैं, उसको भी बहुत मजबूत तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह का सर्कल कट कर लिया है जो कि यहाँ पे इस तरह से लगने वाला है। और अब इस मोटर को इसके ऊपर फिक्स करने के लिए देख सकते हो, इसमें कसने के लिए बहुत ही बड़ा बोल्ट जैसा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको इसमें कस देंगे बाद में। चलो होल कर लेते हैं। यहाँ पे इसका काम तो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी शाफ्ट पूरी बनाने के लिए, ठीक है, जिससे हमारा काम होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं अम्ब्रेला का यहाँ पे हमारे पास एक स्टिक टाइप का पड़ा हुआ है, ठीक है, तो शाफ्ट के रूप में हम इसका यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे कट कर लेंगे और फिर इसके अंदर यहाँ पे डाल के और यहाँ पे बढ़िया से इसको कस देंगे, जिससे बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। बस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह की शाफ्ट हमने कट कर लिए और यहाँ पे होल भी कर दिया है। अब क्या करना है ना, इस तरह के एल्युमिनियम की एक वायर लेके दोनों साइड से इसको लॉक कर देना, जिससे बिल्कुल भी नहीं घूमने वाला है, ठीक है। आप जो होते हैं यहाँ पे स्क्रू भी कस सकते हो, यहाँ पे स्क्रू का भी ऑप्शन है लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है उस साइज का। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह के इसके शाफ्ट बना लिए, ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम के वायर कुछ इस तरीके से लगा दिए और अब ये कुछ इस तरह से अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का बन गया। अब यहाँ पे इसको मजबूती से लगा दिया है, ठीक है, आप और मजबूती से कर सकते हो, वैसे तो हिलने नहीं वाला क्योंकि ये हिल नहीं रहा यहाँ से। और देख सकते हो यहाँ पे मैंने वायर से कस दिया है, जॉइंट कर दिया है और कुछ इस तरह का हो चुका है, देख सकते हो। बहुत ही मजबूती से यहाँ से निकलने नहीं वाला, ना ही कभी फ्री होगा ये, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से हमने निकाल दिया शाफ्ट से होते हुए। तो चलो अब जल्दी से इसके ऊपर का हिस्सा कंप्लीट करते हैं। वैसे यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर वाला हिस्से मैं कवर करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि ये मोटर ना दिखे। और उसके ऊपर भी एक पाइप का पीस लगाएंगे जो कि इतना बड़ा होगा जितने में मोटर कवर हो जाए। उसके स्विच वगैरह भी यहीं पर होने वाला है, तो चलो कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का हमने पीस कट कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा ही कट कर लिया, लुक के लिए शायद थोड़ा सा सही रहेगा ये। और यहाँ पे देखो एक स्विच ऐड कर देंगे, ठीक है, साथ ही बाद में यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन और करनी है वो करके बस ये लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये वाला स्विच हम ऊपर की तरफ ऐड करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद वायर का कनेक्शन करके वायर बाहर निकालने वाले हैं। तो चलो कर लेते हैं। गाइस फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो आटा मेकर मशीन है वो रेडी हो चुकी है। किस तरह का इसका लुक आ रहा है। यहाँ पे वायर मैंने निकाली है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 12 वोल्ट वाला सॉकेट नहीं है, ठीक है, तो सॉकेट यहाँ पे आपको लगाना, वायर की कोई उलझन ही नहीं है, सीधा आपको सॉकेट लगाना होगा। तो यहाँ पे हम इसको इससे चलाएंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे देख सकते हो एक होल कर दिया जिससे हम अंदर देख भी सके क्या हो रहा है और साथ ही पानी वगैरह भी डाल सकते हैं इधर से। उसके बाद यहाँ पे इसको खोलने का क्या सिस्टम है, इस तरह से खुल जाता है, देख सकते हो ये लॉक करने के लगा दिया है, ये इसको लॉक रखेगा, साथ ही ये यहाँ पे एक होल है और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे कसा हुआ बढ़िया से, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अंदर जाके फंस जाने वाला है और हमारा मतलब हिलने भी नहीं वाली है मशीन, ठीक है, देख सकते हो कुछ इस तरह से हम इसको इस तरह कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का। चलो अब जल्दी से इसकी टेस्टिंग करते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं क्योंकि अंदर मतलब ग्लू वगैरह था या फिर किसी चीज़ के टुकड़े वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, तो जल्दी से वॉश कर लेते हैं उसके बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे आ गया है आटा, ठीक है, कुछ इस तरह से, और आपको बताया आटा किस तरह का होता है। और अब इसके अंदर हम डालते हैं, देखो इसका क्वांटिटी कितना है वो मैं आपको भी बताता हूँ कि किस तरह से आपको मेजर करना है, ठीक है, जिस तरह से हमारा शाफ्ट जहाँ तक आएगा ना, जैसे हमारा शाफ्ट यहाँ तक है तो इसके ऊपर तक रखना होगा तभी जाके ये हमारे आटे को सान पाएगा। तो चलो देखते हैं किस तरह से होता है, इसको हम फिल कर लेते हैं, ठीक है, जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताया उतना ही रखना है, थोड़ा और डाल लेते हैं। बस मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा टेस्टिंग के लिए और देखते हैं सान पाता है या नहीं, ठीक है, क्योंकि मोटर में तो ताकत है। अब देखते हैं, यहाँ पे दो बैटरीज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 12 वोल्ट का अडेप्टर का भी यूज़ नहीं कर रहे, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया है, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है नीचे वाला जो हमने एक इस तरह से नट लगाया था
उस पे ज़रूर टिका लेना, उस पे नहीं टिकाओगे तो बहुत अनबैलेंस हो जाएगा बाद में, क्योंकि प्रेशर बहुत लगने वाला है शाफ्ट पे। उसके बाद यहाँ पे एक होल है जो कि पानी डालने के लिए। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क करें, ठीक है? आप अंदर देखने का ट्राई करो, देख सकते हो कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है जो आटे वाली मशीन में आती है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। गाइस यहाँ पे हमने इतना पानी ले लिया है, ठीक है, और इतने आटे पे हमने इतना पानी डाल रहे हैं, देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। मैं नहीं चाहता ज़्यादा गीला हो जाए, थोड़ा टाइट ही रखने का ट्राई करेंगे, और ज़्यादा टाइट रखेंगे तो मशीन पे उतने ही ज़्यादा प्रेशर भी पड़ेगा। देखते हैं, वही तो टेस्ट करें किस तरह से काम करता है, क्योंकि आटा जो होता है सबसे ज़्यादा मतलब वो होता है, उसको बहुत ताकत लगता है सानने में, ठीक है? तो चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं डालना शुरू करता हूँ, मशीन को चलाते हुए मैं हम वाटर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आटा है गुथना शुरू हो चुका है हमारा, ठीक है? मशीन की ताकत यहाँ पे लगने शुरू हो गई है। मैं और पानी डाल देता हूँ। देख सकते हो गाइस किस तरह से, गाइस यहाँ पे मशीन की बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, मतलब लगभग रुकने रुकने पर आ गया है, ठीक है? लग रहा है कि हाँ कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे दो जब दो बैटरी सीरीज में लगी तो कुल मिला के 7 वोल्ट मिले होंगे, उससे इनफ नहीं चल रहा था, मतलब रुक रहा था, ठीक है? मतलब बीच में बस ऑलमोस्ट रुकने ही वाला था, क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें पानी डाल रहे हैं वैसे वैसे आटा यहाँ पे सख्त हो रहा है, उसको ताकत बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आटा जो है सन सन सा गया है, ठीक है? अभी आपको दिखाते हैं, वो भी काफ़ी जल्दी, अभी इसने ज़्यादा नहीं राउंड लिए होंगे। और अब मैंने यहाँ पे आपके लिए देख सकते हो क्या क्या खोल दिया है, ठीक है? अपना ब्लूटूथ भी खोल दिया है इसके लिए, और यहाँ पे इस बार पूरी 3 बैटरी सीरीज में लग चुकी है, कुल मिला के 12 वोल्ट से ज़्यादा ही यहाँ पे बन रहा है, मतलब 12 वोल्ट आप मान लो, ठीक है? तो चलो 12 वोल्ट का यहाँ पे सप्लाई देते हैं। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है, लाइट नहीं है, नहीं तो हम ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते, वो बहुत अच्छा रहता है। अब देखना है यहाँ पे मैं लगाता हूँ, तो देख सकते हैं अब इसकी ताकत आप देखो। फाइनली मुझे लगता है कि हमारा आटा काफ़ी हद तक सन चुका है। एक और बता दूँ, इसकी इतनी ज़्यादा ताकत लग रही थी कि मोटर से आवाज़ें अजीब और गरीब आने शुरू हो गई थी, ठीक है? मतलब जैसे कि मुझे पता था कि आटे को सानने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, तो सिंपल है कि यहाँ पे जो इसके शाफ्ट है मोटर में इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि इतना, मतलब हाई टॉर्क वाला मोटर, मतलब सिर्फ 100 RPM है इसका, सिर्फ 100 RPM, उसमें भी ये इतना ज़्यादा मतलब इसकी ताकत लगी थी कि रुकने रुकने को आ गया था, ठीक है? फिर भी इसमें काफ़ी अच्छी मतलब ताकत लगाई है, ठीक है? और यहाँ पे देखो आटा कुछ इस तरह का बाहर से दिखाई दे रहा है, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इसके पूरे शाफ्ट में आटा है आटा, और यहाँ पे देखो मतलब थोड़ी देर अगर और छोड़ दें, देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, उतना भी कुछ बुरा नहीं है, ठीक है? आपने बाकी YouTube चैनल में देखा होगा उनसे, तो मुझे लगता है काफ़ी सही है। और यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा भी हमारा बचा हुआ है, जिससे कि हम इसको सही शेप दे सकते हैं इस वक्त, ठीक है, हाथों से। और यहाँ पे देख सकते हो हल्का फुल्का जो साइड में बचा हुआ है ना, इसको भी ये थोड़ी सी देर में मतलब पूरा निपटा देता, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ताकत लग रही थी, और इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसको जल्दी से बंद कर दिया। थोड़ी देर अगर हम इसे और चलाएं तो सारा आटा लपेट लेगा अगल बगल का भी, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो ऑलमोस्ट इसने कर ही दिया है, ठीक है? आप इसे बाद में क्लीन कर सकते हो, मतलब अगर इस तरह की कोई भी मशीन बनाते हो तो उसको क्लीन तो आपको बाद में करना ही होगा। तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह का हमारा बाहर आया, और काफ़ी अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत गीला हो गया, काफ़ी अच्छा, आप हाथ से देख सकते हो, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला यहाँ पे। मुझे लगा था कि यहाँ पे सही से नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा सूखा आटा भी बाहर आया था, जिससे कि हम इसको शेप दे सकते हैं, ठीक है?
देख लो। तो यार बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा मुझे ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना कि ये जो मोटर देख सकते हो कितना छोटा सा मोटर था, और इसकी पावर देख के मैं हैरान हो गया कि इसने इतना, मतलब जब ये कहीं होता है ना तो शाफ्ट को इतनी जगह से घुमाना, मतलब शाफ्ट के जो इतना सा जगह होता है वहाँ पे कितना प्रेशर पड़ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इतने, मतलब इतने सारे आटे को अंदर घुमाना है, ऊपर से उसको मतलब पूरी तरह से गूंदना है, ठीक है, तो कितनी ज़्यादा ताकत लगी हुई ये आप सोच सकते हो, ठीक है। आप इसको बिल्कुल वाटर प्रूफ तरीके से बनाओगे तो सिर्फ आटा ही नहीं, इसमें बैटर वगैरह को भी पूरा मिक्स किया जा सकता है, जैसे पकौड़ों के लिए होता है या फिर किसी भी चीज़ के लिए बैटर हम बनाते हैं तो उसको भी मिक्स किया जा सकता है, इंग्रेडिएंट आप यहाँ से डाल सकते हो। तो बहुत ही अच्छा गैजेट है, आप इसका यूज़ करना, बस एल्युमिनियम का यूज़ मत करना, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम इसमें मिक्स हो सकता था, हुआ नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी सूखा नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें कोई भी कचरा नहीं आया, ठीक है। वैसे भी हमने इसको वॉश कर लिया था बढ़िया से, तो आप इसमें दूसरे कंटेनर का यूज़ करना, ये बहुत ही अच्छा वर्क, आपके सामने मैं दिखाया, मतलब बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ठीक है, मुझे तो लगा भी नहीं था कि इतना अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिस हिसाब से वर्क की हमारी पूरी मेहनत सफल हो चुकी है अभी तक में, ठीक है, और इस आटे से कितने लोगों की रोटी बन सकती है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में, इतने सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम आप तो सब्सक्राइब कर लो, इतने अच्छे प्रोजेक्ट देने के लिए कम से कम सब्सक्राइब कर लो, अगले प्रोजेक्ट अगर मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह के प्रोजेक्ट आते रहते हैं, ठीक है, और आपको मज़ा आता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये काम जरूर कर लिया करो हर बार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, 1000 लाइक तो कर नहीं पाते हो, ऑलमोस्ट नज़दीक नज़दीक तक तो जा सकते हैं, ठीक है, तो जल्दी से 1000 लाइक कंप्लीट कर दो। आज की वीडियो में इतना ही, अगले किसी दूसरे प्रोजेक्ट की वीडियो में।